आउजु बिल्लाहि मिन अशशैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वेलकम स्टूडेंट्स इन टुडेज पैरासिटोलॉजी क्लास वी विल फोकस ऑन द पैथोजेनिटी एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ शिस्टोसोम्स शिस्टोसोम जो पैथोजेनिटी काज करते हैं उसको कलेक्टिवली हम शिस्टोसोमियासिस कहते हैं ठीक है अब इस पैथोजेनिटी को हम चूंकि ये डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेनिटी या पैथोजेनिक कंडीशंस काज करती हैं कास करते हैं ये शिस्टोसोम्स तो हम इनको स्टेजेस में डिवाइड कर रहे हैं ठीक है इज ड्यूरिंग पेनिट्रेशन ऑफ स्किन सरकेरी आप लोगों ने लाइफ साइकिल में पढ़ा था कि सरकेरी जो है ये वो फ्री स्विमिंग फॉर्म है जो कि uh, हमारी बॉडी को सॉफ्ट स्किन को पेनिट्रेट कर सकते हैं अगर हम कंटिन्यूएटेड फ्रेश वाटर में वेडिंग कर रहे हैं बात ले रहे हैं एटसेट्रा तो ये हमारी बॉडी को पेनिट्रेट कर सकते हैं ठीक है तो इन्फेक्शन कब होगा जब ये फ्रेश वाटर में अगर कंटिन्यूड फ्रेश वाटर में हम ये स्नेल्स मौजूद हो और उनके बॉडी के अंदर ठीक है ये सरकेरी मौजूद हो तो कल भी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये अपना जो स्केप ग्लैंड से वो यूज करते हैं और उसकी बॉडी में से निकल जाते हैं ठीक है अब जब हम वेडिंग कर रहे हैं उस पानी में तो ये फॉर्म या सरकेरी हमारी बॉडी को हमारे स्किन को पेनिट्रेट कर सकते हैं अगर हम उस कंटमिनेटेड वाटर में स्विमिंग बाथिंग या वेडिंग कर रहे हैं या वॉश वॉशिंग कर रहे हैं ठीक है तो हमारी स्किन हमारी स्किन को ये पेनिट्रेट कर सकते हैं अच्छा स्किन पेनिट्रेशन जरूरी नहीं है कि ये विजिबल हो इट मे नॉट बी अपेरेंट जरूरी नहीं है कि ये विजिबल हो ठीक है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन शिस्टोसोमा स्पीशीज जो है ठीक है ये ये सर्केरियल डर्माटाइटिस कास कर सकते हैं वैसे तो हमने तीन स्पीशीज का पढ़ा था बस आप वो तीन स्पीशीज ध्यान में रख लें कि हाँ जी ये सर्केरियल डर्माटाइटिस कास करते हैं इस सर्केरियल डर्माटाइटिस को हम स्विमर्स एच भी कहते हैं ठीक है अब इसमें क्या क्या हो सकता है डिसअपियर्स विद पेप्यूल्स मेक्यूल्स वेजिकल्स एंड इंटेंस इचिंग पेप्यूल तो

इंटेंस एचिंग इसमें ये जो सर्केरियल हो सकते हैं ठीक है पहला स्टेज जो था जब वो सरकेरी एंटर हो रहे थे अब ये सरकेरी शिस्टोसेम्यूल आप लोगों तो को याद है शिस्टोसेम्यूल बनता है इनसे और फिर ये माइग्रेट होते हैं और फिर मेच्योर हो जाते हैं तो इस माइग्रेशन के दौरान ये

उसमें हमने पढ़ा था ना कि ये वो स्किन इरप्शन है विच इज करेक्टराइज बाय मल्टीपल स्मूथ रेज पिंकिश इची व्हील्स की हमने बात की थी ठीक है तो इसमें आर्टिक हो सकता है विद एसेनोफीलिया फीवर एबडोमिनल पेन और हेपेटोस्प्लेनोमेगली, लेकिन टेंडर हो सॉफ्ट हो ठीक है अच्छा जो ये जो कंडीशन है जितनी हमने माइग्रेशन और मेच्योरेशन के दौरान जो पैथोलॉजिकल कंडीशन ये कास करता है इन सबको कहते हैं कटायामा फीवर या स्नेल फीवर अच्छा अब जो थर्ड वन स्टेज है कि एग अब चले मेच्योरेशन हो गई एडल्ट्स बन गए ठीक है वो एडल्ट्स जो है उन्होंने मैटिंग की और ये एग प्रोड्यूस कर रहे हैं अब एग कौन सा डैमेज मतलब तो कंडीशन कर सकते हैं तो ये डिपेंड करता है कि बॉडी में लोड पैरासाइट का लोड कितना है ठीक है अब अगर लोड ज्यादा है तो एक जनरली क्या होता है देयर इज ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन वो जो इग है उसके इर्द गिर्द जो हमारे इम्यून सेल्स है यूजुअली ये जो मैक्रोफेजेस है साथ में पिथिलियल प्लाज्मा एसिनोफिल सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट ये इकट्ठे हो जाते हैं और ग्रेनुलटिस फॉर्मेशन हो जाती है ठीक है उस इग की देयर इज सबसिक्वेंट फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन ठीक है इसके अलावा ये जो डैमेज है लोकल भी हो सकता है एक्टोपिक भी हो सकता है मतलब एब साइट पे भी हो सकता है और आपको पता है कि ये जो एग्ज है इसमें से कुछ एग्ज वो ब्लैडर की तरफ या इंटेस्टाइन की तरफ जाएंगे और यूरिन या में में पास आउट होंगे लाइफ साइकिल हम पढ़ चुके हैं सो so, एक की वजह से क्या डैमेजेस है कि ये तो डिपेंड करता है कि पैरासाइट्स कितने हैं कितने एग्स वो प्रोड्यूस करते हैं और एक की जो है इन्फ्लेमेटरी ग्रेन फॉर्मेशन होती है वहां पर वहां पर फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन होती है अच्छा थर्ड वन जो है उसको हम कहते हैं यूरिनरी शिस्टोसोमियासिस शिस्टोसोमियासिस यूरिनरी के लिए जो यूरिनरीबल स्पीशी है वो शिस्टोसोमा हिमोटोबियम है यहां पर जो इनिशियल टॉक्सिक और एलर्जिक सिम्टम्स है ये मार्क्ड नहीं है मतलब इंक्रीज नहीं है लेकिन ब्लेडर और यूरेटर जो है ये इन्वॉल्व हो सकते हैं विद हाईप्रीमिया हाईप्रीमिया हम एक में ब्लड के एक्सेस को कहते हैं तो यहाँ पर ब्लेडर और में ब्लेड में ब्लड एक्सेस हो सकता है यहां पर टर्मिनल हेमाचुरिया हो सकता है हेमाचुरिया टर्मिनल एक्चुअली जब आफ्टर यूरिनेशन अगर ब्लड आ जाए तो उसको कहते हैं कि हेमाचुरिया इसके लिए वर्ड टर्मिनल हेमाचुरिया डाइसूरिया ठीक है अगर यूरिनेशन के दौरान पेन फील हो या डिस्कम्फर्ट फील हो तो उसको कहते हैं डाइसूरिया तो इस केस में यूरिनरी में डाइसूरिया भी हो सकता है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्शन मैक्शन एक्चुअली इस प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन को कहते हैं तो so, मतलब इसमें बंदा बार बार यूरिनेट करता है और साथ में uh, यूरिनरी सिस्टोसोमियासिस में पेप्यूल्स और अल्सरेशन भी हो सकती है अच्छा देर में भी सिस्टाइटिस एंड फॉर्मेशन अब सिस्टाइटिस किसको कहते हैं ब्लेडर के इन्फ्लेमेशन को सिस्टाइटिस कहते हैं और तो आपको पता है डिवेलप अच्छा, कर सकते हैं यहां पर. Fistula, अगर हम देखें तो कहते हैं कनेक्शन बिटवीन टू बॉडी पार्ट ठीक है जैसे कि ऑर्गन और ब्लड वेसल के दौरान या किसी और स्ट्रक्चर के दौरान ठीक है और फेस्टुला यूजली किस वजह से बनते हैं ज ए रिजल्ट ऑफ एन एनजी सर्जरी बनते हैं ठीक है लेकिन इन्फेक्शन की वजह से भी फेस्टुले बन सकते हैं तो यहाँ पर फेस्टुला भी डिवेलप कर सकते हैं फेस्टुला किसको कहते हैं इट इज एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू बॉडी पार्ट अच्छा यहाँ पर हाइड्रोयटर और हाइड्रोनिफ्रोसिस हो सकता है हाइड्रो यूरेटर ये जो हमारे पास यूरेटर है वो डायलेट हो सकता है और हाइड्रोनिफ्रोसिस हाइड्रोनिफ्रोसिस में एक्चुअली किडनी जो है वो फिलप हो जाता है अच्छा जेनेटल शिष्टोसोमियासिस भी पॉसिबल है ठीक है अगर किसी इंडिविजुअल को जेनेटल शिष्टोसोमियासिस है तो इन केस ऑफ मेल देर विल बी लंपी सीमन ठीक है हेमेटोस्पर्मिया स्पर्म्स में ब्लड आ सकता है या अगर फीमेल इन्फेक्टेड है ठीक है विद यूरिनरी शिष्टोसोमियासिस सो तो देर विल बी वॉट लाइक लीजन ऑन वुल्वा अच्छा इंटेस्टिनल शिस्टोसुम कौन काज करता है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्पीशी है दैट इज यहाँ पर जो टॉक्सिक और एलर्जिक सिम्टम्स है यहां पर भी मार्क्ड है या इनक्रीज है यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम है दे आर टिपिकली इन्वॉल्व विद पोलिपोसिस ठीक है अब पोलिपोसिस किसको कहते हैं पोलिपोसिस में पोलिप्स फॉर्मेशन है ठीक है इसके अलावा पेप्यूल्स भी इसमें बन सकती हैं एप्सिस और इस इंडिविजुअल के फीसिस में इसमें से ओवा भी एक्सक्रीट हो सकती हैं, ठीक है कभी कभार इंटेस्टनल में भी ब्लडर इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पर अगर ब्लडर इन्वॉल्व है तो वही पैथोलॉजी है जो यूरिनरी में हमने पढ़ी है ठीक है इंटेस्टनलिय में भीटोपिक एक्टो, एक्टो, लीजें बन सकती है जिसमें लिवर इन्वॉल्व हो सकता है जिसकी वजह पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है एसोफेजियल वायरसेस मतलब कि एसोफेगस के जो वेन्स है वो इनलार्ज हो सकते हैं स्प्लीनोमेगाली हो सकती है एसाइटिस जो के एबनॉर्मल फ्लूड के बिल्डअप को अगर एबडामिन में है तो उसको एसाइटिस कहते हैं इसके अलावा देयर कैन बी लीजन इन द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड लंग्स तो ये इंटेस्टिनल सिस्टोसोमियोसिस की बात होगी यह जो हमारे पास है लास्ट वन इसको हम कहते हैं जो जो कि जिपोनिकम करता है। यहाँ पर, जो और, है, यहाँ पर भी है। और उसकी वजह से मायोकार्डाइटिस और डेथ भी काज हो सकता है इंटेस्टनल लीजन जो यहां पर बनती है दे आर सिमिलर टू दो विदोसोमाफेक्शन और यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज ऑफनली इन्वॉल्व इसमें लिवर भी वैसे ही इन्फेक्ट होता है जैसे कि इन केस ऑफ तो शिस्टोसोमा मैनसनी था लेकिन यहां पे ब्रेन भी इन्वॉल्व हो सकता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करेंगे तो सब तो सबसे पहले ये एग्स को हम स्टूल या यूरिन सैंपल्स में देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्पीशी और हमें एग्स या आ, मतलब एग में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो ये डिफरेंट स्पीशीज के एग्स है शिस्टोसोमा मैनसनी के एक हमें स्टूल में मिलेंगी हेमाटोबियम के यूरिन में और के भी स्टूल में मिलेंगी ठीक है कभी कभार ऐसा होता है कि एक जो है ये इरेगुलरली पास होते हैं या पास रेगुलरली होते हैं लेकिन उनका नंबर कम होता है तो फिर उस केस में हम इस पे रिलाई नहीं करते माइक्रोस्कोपी पे फिर हम क्या करते हैं ब्लड या सिरोलॉजिकल टेस्ट जो है वो कर लेते हैं तो सिरोलॉजिकल टेस्ट हमारे पास कौन कौन से है उसमें एक है

या डायग्नोसिस हम डायरेक्टली सीरोलॉजी से कर लेते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग आप लोगों के क्वेश्चंस को व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास के टाइम पे डिस्कस किया जाएगा थैंक यू